नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की दो बड़ी बातों को लेकर आए हैं, दो महत्वपूर्ण बातों को। सबसे पहले तो आप लोगों को बताएंगे कि किस जगह पे, किस शहर में परीक्षा जो हो का जो डेट था, जो जिस दिन को होना था वो नहीं होगा और वो चेंज किया गया है, किस कारण से चेंज किया गया है ये भी बताएंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि अभी भी जो है रेलवे ग्रुप डी में स्कैम हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, अभी भी बच्चे जो हैं नकल करते हुए पकड़े जा रहे हैं। आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाएंगे दोस्तों, आप लोग वीडियो पे बने रहे, कहीं भी स्किप मत कीजिए। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से, जानकारी प्राप्त करोगे आप लोग कैसे क्या हो रहा है आप लोग को बताएंगे। उससे पहले जो भी चैनल में नए हो कृपया वीडियो के नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों को रेलवे परीक्षा की पल पल की अपडेट करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दैनिक भास्कर का न्यूज है और आज ही का ये दिखाया गया है 29। समय आप लोगों को डेट दिखा देता हूं, आप लोग ये देख लो, ये 29 नवंबर आज 1 बजे करीब का न्यूज आया है। यहाँ पे लिखा गया है कि अजमेर प्रदेश में 7 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग के दिन रेलवे ग्रुप डी की भर्ती की परीक्षा नहीं होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस दिन अवकाश घोषित कर परीक्षार्थियों को राहत प्रदान की है। दोस्तों ये विधानसभा चुनाव होगा इसीलिए इस दिन जो है परीक्षा नहीं होगी। कब परीक्षा होगी इसकी जानकारी जल्दी आप लोगों को मिल जाएगी, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। यहाँ पे बताया गया है कि रेलवे बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष आलोक कुमार मिश्रा ने बताया कि ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए जारी इस दिन का अगला चरण 1 दिसंबर से शुरू होगा, जैसा कि आप लोगों को पता है, और 17 दिसंबर को खत्म होगा। पहले यह चरण 14 दिसंबर को होने वाला था। राजस्थान के 10 शहरों के 30 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। तो जब भी ये डेट आएगा दोस्तों आप लोगों को हम बता देंगे। और अब आप लोगों को दिखा देते हैं जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कि अभी भी स्कैम हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, ठीक है, चलिए दिखा देते हैं। ये भी दोस्तों दैनिक भास्कर का ही न्यूज है, इसी के जरिए बताया गया है, दिखा देता हूं आप लोग देख लीजिए। हत्या चढ़े रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी समेत 4 गिरफ्तार। आप लोगों को न्यूज पढ़ के सुना देते हैं, आप लोग देख लो, यहाँ पे फोटो भी दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि आरोपियों में जीजा साले भी एक आरोपी भाग निकला। 1 लाख रुपये में फर्जी अभ्यर्थी की व्यवस्था की गई थी। क्या लिखा गया है आप लोगों को दिखा देते हैं, पढ़ा के सुना देते हैं, आप लोग देख लो। ये भी आज ही का न्यूज है दोस्तों, ये 29 नवंबर का। बताया गया है कि कोटा के रानपुर में रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा दे रहे युवक समेत 4 जनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 1 आरोपी फरार हो गया। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों और 1 आरोपी जो है फरार हो गया है। ये दिन ब दिन होते जा रहा है, जब पकड़े जा रहे हैं तब ये आउट हो रहा है कि हाँ पकड़े गए हैं, जो पकड़े नहीं जा रहे हैं वो उनका बल्ले बल्ले। मतलब दोस्तों ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि जरूर हो रहा है, स्कैम तो हो ही रहा है, करवाने वाले कर ही रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि शिव ज्योति इंटरनेशनल स्कूल रानपुर केंद्र पर आयोजित परीक्षा में सवाई माधोपुर में बाम नवास के मानेकेश मीना को करौली के खड़खड़ी निवासी राजेश मीना उम्र 23 साल की जगह परीक्षा देते हुए गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे दूसरे के स्थान पर दूसरा कोई बैठ के परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है दोस्तों। और बताया गया है कि मनकेश जो पकड़ा गया है उससे पूछताछ करने के बाद यह पता चला कि राजेश व उसके रिश्तेदार भी बाहर कार में बैठे हैं। इसके बाद पुलिस ने कार से राजेश, उसके जीजा संजीव 25 साल निवासी दीवानापुर करौली और एक अन्य अमर सिंह जिसका उम्र 22 साल निवासी पटवाली करौली को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब दोस्तों ये कोई एग्ज़ाम दे रहा था और दूसरे का मान लेते हैं कि किसी का एग्ज़ाम था, उसके बदले कोई और एग्ज़ाम दे रहा था और बाहर से कार में बैठ के उसको माइक्रोफोन या फिर कुछ से उसको आंसर बताया जा रहा था। ऐसे ही चल रहा है दोस्तों स्कैम। अगर आप लोगों को लगता है कि स्कैम हो रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के आऊँगा दोस्तों कल या परसों, उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप लोग इसको रोकोगे। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, तभी मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँगा। आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए और जो भी अगर आपको लगता है कि हाँ ये हो रहा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए कि ऐसा हो रहा है, आप लोग कहाँ कहाँ देख रहे हो, क्या हो रहा है, आप लोग डिटेल में कुछ जानकारी अगर दे सकते हो दोस्तों तो दो, मैं आप लोगों के सपोर्ट करूँगा और उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा दोस्तों, नहीं तो फिर ये कटअप बहुत हाई चला जाएगा और
मुश्किल हो जाएगी सबके लिए। जितने बच्चों ने इतनी मेहनत से एग्ज़ाम दिया है सबके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर ऐसा होता है दोस्तों। तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा, इसमें मैं आप लोगों की बात जो है ऊपर तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में अगर नए आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को लगता है ऐसा हो रहा है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।